मेरा नाम आयशा शफ़ी है, मैंने उज्ज्वल ट्रस्ट की मैं प्रेसिडेंट हूँ। और उज्ज्वल ट्रस्ट को रजिस्टर करने का मेरा एक बेसिक मोटो ये था कि बच्चों को एजुकेशन देना। बच्चों को एजुकेशन का मतलब ये था मेरा कि बच्चों जो अभी कोविड की वजह से बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए थे, स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों की एजुकेशन बहुत सफ़र किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बच्चों को एजुकेशन के सपोर्ट दें। एजुकेशन सपोर्ट में हम बेसिकली करते हैं बच्चों को रिमेडियल सपोर्ट देते हैं। रिमेडियल सपोर्ट में हमने 2-3 चीज़ों का ग्रुपिंग किया है। लाइक हमारा ऑब्जेक्टिव है वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, लीगल लिटरेसी एंड हेल्थ अवेयरनेस, जिसमें हमने सबसे पहला काम किया अपना एजुकेशन का। एजुकेशन में हमने बच्चों को एक सेंटर खोला। इस सेंटर को हमने खेला है मयूर विहार खेल गांव के अपोजिट साइड में, फ्लाईओवर के नीचे। इसमें हम लोगों ने बच्चों को पिछले 6 महीने से पढ़ा रहे हैं। 6 महीने में हमारे कुछ बच्चे जो थे वो लेवल पे नहीं थे, वो लेवल में जाकर उनकी क्लास एज अप्रोप्रिएशन के हिसाब से उनका एडमिशन हुआ है। उस एडमिशन से हमें बहुत तसल्ली हुई, हमें बहुत खुशी हुई। एज अ प्रेजिडेंट मैं इस चीज़ को बहुत प्राउडली कहती हूँ कि उज्ज्वल ट्रस्ट और उसके मेम्बर्स ने इतना इफेक्टिवली काम किया है कि लोगों को वो मैसेज पहुँचाया है कि एजुकेशन हमें कितना एम्पावर कर सकता है। तो हमने इसमें बच्चों को 3 लेवल में बांटा है। एक है बेसिक लेवल, और फिर है सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। बेसिक लेवल वो है जो बच्चा ट्रेसिंग एंड पैटर्न सीखता है। हमारी बाइसिकल से शुरू हुआ था, बाइसिकल, ट्राइसिकल, मोटरसाइकिल, स्कूटर। सेकंड लेवल वो है जो नंबर्स या अल्फाबेट सीख रहा है। थर्ड ग्रुप हमारा वो ग्रुप है बेसिकली जो थोड़ा सा रीडिंग जानता है बट मात्राओं में या स्पेलिंग्स में मिस्टेक करता है, तो हम उसके हिसाब से काम करते हैं। उसमें हमने 2-3 चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। एक तो पहला कि बच्चे अपने लेवल के हिसाब से काम करें, क्योंकि लेवल नहीं होता है तो बच्चों का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, बच्चों को लगता है ये तो हमें आ रहा है, दीदी क्या करा रही है। कुछ बच्चों को लगता है ये तो हमारे मतलब का ही नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। बट हमारे उज्ज्वल ट्रस्ट का जो मेन मोटिव था वो ये था बच्चों के लेवल के हिसाब से काम करना। और उस लेवल में हमने जैसे कि बताया 3 ग्रुप ने हमने आटा है, उन 3 ग्रुप पर अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग क्राइटेरिया है उनका, एक पैटर्न है पूरा और एक करिकुलम है जिस करिकुलम के तहत हम काम करते हैं। उसमें हमने उज्ज्वल में असीम्स की एक लाइब्रेरी भी ओपन करी है, जिस लाइब्रेरी में बच्चों को बुक्स को एक्सपोजर करने का मौका मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वो पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। और हमारी कोई पढ़ाई का कोई एक पैटर्न नहीं है, लाइक हम लोग सारी चीज़ें एक्टिविटी के थ्रू करते हैं, लर्निंग विथ फन के साथ हम काम करते हैं। बच्चे बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी गेम्स के थ्रू करते हैं। लाइक हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सिखाते हैं तो हम उनको पैटर्न में नहीं सिखाते, हम उनको नंबर्स में, गेम्स के थ्रू, स्टेयर्स के थ्रू सिखाते हैं चीज़ों के बारे में। सेकेंड हमारा वुमेन एम्पावरमेंट ये था, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी फैमिली में, तो हमने उनको वुमेन एम्पावरमेंट ने ये किया है, उनको उनके राइट्स के बारे में बताया है। तो हमने पिछले अभी कुछ टाइम में एक कैंप किया था जिसमें हमने डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड एक्ट बताया था लोगों को कि उस एक्ट के तहत क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो एक तो हमने ये किया, दूसरा हमने हेल्थ कैंप लगाया जिसमें हेल्थ कैंप में हमने एक डॉक्टर को अपॉइंट किया, फिजिशियन को जनरल चेकअप के लिए। उन्होंने सारे बच्चों को और फीमेल और मेल सबका जनरल हेल्थ चेकअप किया। हमारा 4th ऑब्जेक्टिव था लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी में हमने काम किया कि हमने लोगों का ई श्रमिक कार्ड, हेल्थ कार्ड और पैन कार्ड और राशन कार्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो दिक्कतें यहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ी थी उससे रिलेटेड हमने वो काम किया है, जिसमें अभी हम लोग देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हमारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उस एक्टिविटीज़ को दिखाने के मकसद ये है कि हमारे जो मेंबर्स हैं या जो टीम है वो बहुत लार्ज स्केल पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एक्टिविटीज़ को जानती है, अपने फील्ड की एक्सपर्टीज़ को रखी हुई है। हर बंदा एक अलग अलग फील्ड का है, वो अपने अपने फील्ड की एक्सपर्टीज़ के हिसाब से अपना काम करता है। थैंक यू। माय नेम इज़ यश थमीजा एंड आई एम फ्रॉम ग्लोबल पीस फाउंडेशन इंडिया। वी एट दिस NGO बेसिकली प्रमोट इंटरफेथ लीडरशिप एंड द मोटो एंड द विजन ऑफ GPF इज टू हैव peace building initiative based on 3 elements, that is interfaith leadership, strengthen families and creating a culture of service. My personal motto and like through which I came in collaboration with Aisha ma'am, Ujjwal, was to promote interfaith leadership and education among children. So we are here blending education with the virtues and the principles which are embedded in all religions. And we have started with children because I think this is the age where we can learn about harmony, loving people and compassion. Hence we are here, and Aisha ma'am and Ujjwal is doing fantastic, and we are hopeful that through this initiative, through this project Smile, we'll interact with these kids and make them learn the values of
you know, all the different world religions which teach you oneness. So, Vasudeva Kutumbakam, and thank you. Namaste. मैं पद्मा देवी बोल रही हूँ. मैं यमुना खादर में रहती हूँ. कुछ दिनों से एनजीओ मैम के साथ, उज्ज्वला स्टेट के साथ मैं काम कर रही हूँ. साथ में वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और कैंप लगवाए उन्होंने, हेल्थ कार्ड की, ई श्रमिक कार्ड की. उनके साथ हमें काम करते हुए बहुत खुशी लग रही है. आशा मैम आती हैं, बच्चों को अच्छा शिक्षा दिलाती हैं. जब से बच्चे हमारे यहाँ जुड़े हैं, अच्छा शिक्षा प्राप्त किए हैं. नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है. मैं उज्ज्वल की एक वॉलंटियर हूँ. मैं अभी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ जिसका नाम है पैड पीरियड अवेयरनेस ड्राइव, जिसमें हम औरतें जितनी भी हैं उनके अंदर जागरूकता फैला रहे हैं माहवारी और मासिक धर्म के बारे में, कि वो इन दिनों में कैसे स्वच्छता का पालन कर सकती हैं और आजकल मार्केट में किस किस तरह के अलग अलग डिफरेंट बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि उनके लिए आसान रहेंगे, और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि कपड़े के पैड्स, उनको प्रमोट कर रही हूँ. तो आशा है आप सब भी इसमें मेरे साथ होंगे. मेरा नाम प्रियंका है और मैं उज्ज्वल फाउंडेशन की तरफ से हूँ. मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ अपने प्रोजेक्ट को लेके. मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ. हेल्थ को लेके हम यहाँ बात करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, लोगों को समझाते हैं बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे, कि मेंटल हेल्थ है क्या, हमें किस तरह से अपने लिए देख रेख करनी है, आसपास वाले लोगों के लिए किस तरह से देख रेख हम कर सकते हैं उनकी, और हमें कब ये जानना है कि कब उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है. मेरा नाम प्रीति है. मैं एज अ वॉलेंटियर उज्ज्वल ट्रस्ट में काम करती हूँ. उज्ज्वल ट्रस्ट में बहुत सी नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि धर्म सब एक है. उसके साथ ही हम बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं. बच्चों को न्यू एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं, उनको फन लविंग गेम सिखाए जाते हैं. उसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर, हाइजीन पर, और तो और हम उनकी मेंटल हेल्थ पर पूरी तरीके से ध्यान देते हैं. थैंक यू उज्ज्वल ट्रस्ट ने हमें मौका दिया नई चीज़ें सीखने और सिखाने का.